हरिओम, मेरा नाम अरुण सिंह रेवर, नालासोपारा ईस्ट उपासना सेंटर। मैं वसई फैक्ट्री ईशा पशंती में ही जॉब करता हूँ, अपने संस्था में हूँ। मैं बापू के पास 2005 को दत्त जयंती के दिन आया था। बापू के बारे में मुझे कुछ मालूम ही नहीं था उस टाइम में। मैं दुकान, मेरा नालासोपारा में गिफ्ट आर्टिकल का दुकान था, मैं वहाँ पर बैठता था, दुकान संभालता था। तो मेरी सिस्टर ने 96 में बापू के जो दर्शन किए थे, मम्मी और सिस्टर ने, इसके लिए बहन को कुछ मालूम था बापू के बारे में, तो वो मेरे को सब बता रही थी। मैं बोली, बहन ऐसा कुछ इस ये युग में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैंने एक छोटा सा फ़ोटो लिया था, बहन बोली इसके लिए, बोला दुकान में फ़ोटो बापू का रख तो अच्छा बिजनेस चलेगा करके। मैंने मेरे फ्रेंड के एक दुकान सामने ही थी फ़ोटो फ्रेम की दुकान, वहाँ से मैंने बापू का फ़ोटो लिया था और सब भगवान का जो मूर्तियाँ रखी थी वहाँ पे बापू का फ़ोटो रख दिया था और सब भगवान के साथ में उनको भी एक फूल रखता था, पाँव पड़ता, बस उतना ही मैं बापू के बारे में जानता था, बाकी कुछ पता नहीं था। पर जो बापू भक्त थे, जो मेरी दुकान में कुछ गिफ्ट लेने को आते थे, तो बापू का फ़ोटो देख के हमको हरिओम कहते थे और बोलते थे आप भी बापू को वो मानते, तो मैं भी हाँ में हाँ कर देता था। तो वो उनके अनुभव बताने लगे बापू के बारे में, तो उनके अनुभव सुन के मुझे भी हुआ कि सच में ये कलयुग में ऐसा होता है। या सिस्टर को बताया, उस समय पे हम लोग को भी थोड़ा एक प्रॉब्लम था, हम लोग भी एक संकट में थे। मेरा बहन अपना भी एक प्रॉब्लम सोल्व होता है, मेरा एक काम करता हूँ, मेरा कल गुरुवार है, उस दिन दत्त जयंती थी, मुझे पता नहीं। मैं बोला बहन कल गुरुवार है, मैं जाऊँ क्या बापू के दर्शन के लिए? तो बहन बोले कि बांद्रा में इष्ट में होता है, पर कहाँ पर उनको नहीं पता था। बोले कि तू फक्त तू जा उधर, तेरे को रिक्शा वाले को बोलेगा, बरोबर लेके जाएगा। मैं सुबह ही निकल गया था, कुछ 1:30 बजे में अपना बांद्रा स्टेशन से रिक्शा वाले को बोला कि मुझे अनिरुद्ध बापू का प्रवचन होता है वहाँ पे ले जाओ, वो मुझे बरोबर न्यू इंग्लिश के पास लेके आया। उस समय कुछ 1:30 बज गया था दोपहर का। मैंने वहाँ पे आजू बाजू दुकान में पूछा, मेरा बापू प्रवचन कितने बजे होता है? तो बोले कि वो तो शाम को होता है, अभी नहीं, अभी बहुत टाइम है। मतलब अभी इतना जल्दी आ गया था, मिला ठीक है, मैं बैठा उधर वेट कर रहा था। शाम के टाइम देखा वो जहाँ पे जो भक्त लोग का लाइन लगता है, मैं वहाँ पे देखा इतना भीड़ देख के, मैं बोला अरे इतने लोग बोला बापू के पास, और कोई भी ऐसे भगवा कलर का कपड़ा या कोई माला लेके, ऐसा सब कॉलेज स्टूडेंट को, सब अच्छे घर के। मैं भी एकदम हैरान हो गया, मैं भी उन लोग के साथ में लाइन में खड़ा हो गया। जब शाम को लाइन अंदर छोड़ा, तब मुझे लगा बापू अंदर स्टेज पे बैठे है, दर्शन करूँगा, उनको पाँव पड़ूंगा और सीधा बाहर निकला होगा, बस इतना मैंने मन में निश्चय किया था। वो लाइन के साथ मैं भी अंदर गया, वो ग्राउंड में जब पहुँचा तो देखा तो स्टेज के ऊपर बापू का फ़ोटो रखा हुआ है और बीच में लाल कालीन बिछाया हुआ है, सब भक्तों के हाथ में आरती का थाली है, कोई फूल लेके खड़े। उससे मैंने अंदाज़ा लगा कि बापू अभी तक आए नहीं, जब आएंगे तब यहाँ से ही आएंगे करके। तो ऐसे करके मैं ग्राउंड में जाके बैठ गया। मेरे लिए तो सब पहले नया ही सब था, मैं फर्स्ट टाइम ऐसी जगह पे आया था जहाँ मुझे सब नया ही लग रहा था। मैं सब जगह देख रहा था, सब जगह कौन है ये अनिरुद्ध बापू, कौन है, क्या है ये, बस उनके सब अलग अलग सब फोटोज़ देख रहा था, सब उसके उपासना पुस्तिका सब ऐसे देख के मुझे सब अजीब लग रहा था। उतने में शाम को शंख और पिपारी का आवाज़ आया, मैं जो से बोला अरे बापू आया करके मैंने उस दिशा में देखा, गेट नंबर जो 1 के वहाँ से जो बापू आते वहाँ पे देखा, तो पालकी के अंदर बापू को ऐसे उठा के लेके आ रहे। बापू को मैंने पालकी के अंदर ऐसे ध्यानस्थ रूप में बैठे हुए देखा, वाइट शर्ट पहना हुआ है उन्होंने, उनकी आँखें ऐसे बंद है, भक्त लोग उन पर फूल डाल रहे हैं, फूल उनके सर पे खींचे हुए ऐसे जमा भी हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। और मैं मन ही मन सोच रहा, मेरा ये कोई सामान्य इंसान नहीं है, इतना तेज लग रहा था बापू के चेहरे से, मैं बोला ये कोई सामान्य इंसान नहीं है, मेरा कोई तो है, इनमें कुछ तो है। ऐसा करके मैंने दो हाथ जोड़ के ऐसे ही बापू को सिर्फ प्रणाम किया और ऐसे देखा तो बापू वहाँ पे नहीं थे, उनकी जगह पे एक चांदी का एक पेटी था। मैं जोर से चिल्लाया अरे बापू बापू, तो बाजू में जो बैठे थे भक्त उन्होंने कहा कि अरे बापू बाद में आएंगे। बोला नहीं मैंने देखा, मैं एकदम मेरा कंडीशन देख के वो लोग भी समझ गए, बताया नहीं नहीं वो बापू नहीं देखे तूने, तो क्या बोले वो मेरे को पता नहीं, अभी मुझे पता है कि उधर ग्रंथराज आता है, पर उस टाइम में मैंने कुछ अलग ही सुना था। मैं बोला नहीं मैंने खुद देखा, तो बोलता नहीं नहीं वो अभी बापू बाद में आएंगे, तूने कुछ दूसरा देखा होगा। मैं खूब शांत बैठ गया, मैं रोने लगा, मैं मैंने क्या देखा, मेरी आंखों पे विश्वास ही नहीं आ रहा था। मतलब मैं मेरे साक्षात बापू को ऐसे बैठा हुआ देखा, मैं देख रहा हूँ, ऐसे करके मैं शांत हो गया, मैं एकदम शांत हो गया और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। मैं आज के बाद मेरे लिए सब कुछ बापू ही है, बस अभी जो बापू बोलेगा ना मुझे बस वही करने का है, बस उनके रस्ते पे जाने का है।
फिर बापू शाम को आए, उनके दर्शन लिया, बापू को देख के एकदम मन प्रसन्न हो गया। बोला बस मेरी लाइफ को अभी बापू आपके पास ही दिया है, अभी आप जो बताएंगे बस वही करने का। ये सब करते करते कुछ 10 साढ़े 10 बज गए। मैंने तो टाइम देखा, मेरा मोबाइल का बैटरी भी गया था, मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया था, अभी किसको बताऊँ करके हो गया था। मैं बाहर आया और नाला सोपारा के लिए निकल गया घर पे जाने के लिए। रात को सीधा मैं मेरी सिस्टर के घर पे गया, कुछ 11:30-12 बजा था। और उस समय पे बहन को बताया कि बहन मेरे को बापू के ऐसे दर्शन हुए और वो साक्षात तू जो बोल रही थी ना सब सच है। बोला कि बस मिला बहन, अगले गुरुवार को तू भी चल साथ में, मम्मी संभालेगी दुकान, मम्मी को बोलेगी एक दिन जरा एडजस्ट करो, मतलब बापू के दर्शन लेंगे और अपनी भी प्रॉब्लम जो है ना मैं बापू को बताएंगे, बापू जरूर अपनी सुनेगा, जरूर कुछ इसमें से रास्ता निकालेगा। फिर दुकान में मम्मी को सबको हम लोग ने बात किया, हम लोग भी एक प्रॉब्लम में, हमारी भी एक प्रॉब्लम इतनी बड़ी आ गई थी कि दुकान हम लोग ने लिया था, फिर मेरी स्कूल मेरे कॉलेज का खर्चा, मेरे थोड़े प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने मम्मी ने बाहर से कुछ पैसे लिए थे जो मुझे कुछ पता नहीं था कि कितना लिया है क्या नहीं है। मेरा दुकान अच्छे चल रहा था, मैं मार्केट से माल लाता था, जो कुछ दिन भर का जो भी कुछ पैसा होता था मम्मी पापा के पास दे देता था, वो लेके जाते थे और बैंक का इंस्टॉलमेंट भी अच्छे से जा रहा था। पर आगे आगे बैंक का इंस्टॉलमेंट देना बंद हो गया और बैंक से मुझे फ़ोन आने लगा, तुम लोग का 2 महीने का इंस्टॉलमेंट बाकी है, तुम लोग का इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा वरना इसका इतना ये होगा, आगे ये प्रॉब्लम होगा। तो मम्मी को पापा को मैंने सब बताया कि मम्मी अपना सब बिजनेस भी अच्छा चल रहा है और ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है बोला। तो मम्मी बोलते बाहर से जो पैसा लिया है ना उसके इंटरेस्ट को बहुत पैसा जा रहा है करके। तो मैं बोला मम्मी कितना इंटरेस्ट जा रहा है, तो बोलते हैं कभी टोटल किया नहीं है, कई कई जगह से 8%, किधर से 10%, 12%, ऐसे अलग अलग जगह से अलग अलग पैसे लिए हैं। तो बोला मम्मी आप मेरे को पहले बताइए कि टोटल कितना कितना कहाँ कहाँ से पैसा लिया। मैंने कागज़ पर वो सब अमाउंट लिखते गया, कहीं से 10 लाख, कहीं से 8 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3.5 लाख, ऐसे करते करते कुछ 35-36 लाख जितना वो टोटल हुआ। और मम्मी को सब इंटरेस्ट जो दे रही है उसका भी मैंने साइड में अलग 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 हिसाब किया, तो जो इंटरेस्ट जो था वो 1,50,000 जितना होता, मतलब 1.5 लाख। मम्मी को बोला मम्मी अपनी दुकान की मंथली इनकम 80,000 है और आप बाहर इंटरेस्ट जो इनका दे रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा दे रहे हैं, और कितने साल से आप दे रहे हो ये इंटरेस्ट, तो 80,000 है और ऊपर के मेरा पैसे आप कहाँ से बनाते हो, ये कैसे। तो मम्मी बोलते उसकी वजह से ये कर्ज बढ़ता गया है, इंटरेस्ट देने की यहाँ से इंटरेस्ट दे लेके यहाँ से इंटरेस्ट भरने का, बस उसके ऊपर ही अपना ये सब बढ़ता जा रहा है पैसा, और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा मम्मी आपने बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम हो गया और आपने मुझे जल्दी क्यों नहीं बताया, अभी करेंगे क्या अपना बॉम्बे का घर है सब कुछ बेच डालेंगे ना मम्मी तो भी अपना ये निकलेगा नहीं, मतलब अभी करेंगे क्या। मैं खूब बहुत बहुत हम लोग अपसेट हो गए थे, बापू को मैंने पूरा ये किया था। मैं बहन को बोला मैं बहन एक काम करते हैं अपन बापू को पर्सनल जाके मिलते, पर्सनली बापू को पूछते कि बापू इसमें से कुछ तो रास्ता बताओ, हम लोग पूरा का पूरा यहाँ पे हम लोग ये हो गए, अभी कुछ तो रास्ता निकालो इसमें से हम लोग को बाहर आने का है, हम पूरी तरह से फंस गए इसमें से बाहर आने का कोई रास्ता दिख नहीं रहे। हम लोग ने उपासना पुस्तिका में से हैप्पी होम का एड्रेस मिला हमको, हम लोग हैप्पी होम में मैं और मेरी सिस्टर हम लोग आए, फिर हम लोग ने वहाँ पे पाँव पड़ा और हम लोग का मन ही नहीं मान रहा था, हम लोग रो रहे थे कि बापू को एक बार मिलने का है, बस बापू के पास एक बार फेस टू फेस बापू के साथ बात करने का है। तब हम लोग को एक भक्त ने बताया कि आप साई निवास में आप्पा दाभोलकर को मिलिए। बोला कौन है ये आप्पा दाभोलकर, हमको इनका एड्रेस दीजिए। तो उन्होंने साई निवास का एड्रेस दिया, फिर हम लोग वो एड्रेस पे हम लोग गए, मैं और मेरी सिस्टर वो साई निवास में गए, वहाँ पे हम लोग ने आप्पा को मिला, आप्पा को देख के उनको मिल के हमको बहुत बहुत कुछ सुकून मिला, जो साई निवास का जो वास्तु है वहाँ पे हम अंदर गए, बाबा की मूर्ति को देखा, हमको एकदम थोड़ा अलग अच्छा एक शांति मिल रही थी। फिर आपा को हम लोग ने सब हमारी प्रॉब्लम के बारे में बात किया, आपा ने हम लोग से बहुत ढेर सारी एक घंटे तक तो हमारे साथ बात किया, आपा ने सब हम लोग का प्रॉब्लम सुना, हमको अंदर के रूम में आपा लेके गए थे, वहाँ सब शांति से आपा ने सब बातें हमारी सुनी, हम लोग ने सब बताया। तो आपा ने हमको पूछा कि अभी क्या करने का, मतलब आपा हमको कुछ नहीं पता है, हम लोग का सब बिक जाने दो, सब जाने दो, पर हम लोग को इसमें से बाहर आने का, एक सुकून की ज़िंदगी जो बोलते हैं ना, जो हम लोग इतना टेंशन लेके जो जी रहे हैं ना वो हम लोग से नहीं जिया जा रहा है,
हम लोग को एक सुकून की ज़िंदगी चाहिए और हमको ऐसा लगता है बापू बस वही हमको एक मार गए और उन्होंने हमको उनकी तरफ खींच के लाया है, बस हमको पास और कोई रास्ता नहीं। फिर आपा ने हम लोग को सब उपासना सेंटर के बारे में, बापू का सेवा क्या चल रहा है उसके बारे में सब माहिती दिया, सुदीप लगाने को कहा, वो सब हम लोगों ने किया। अपन एक मन जो लग रहा था बापू को मिलने का ही है, मिलने का, वो थोड़ा शांत हो गया और मैं और मेरी सिस्टर हम लोग घर पर आ गए। घर पर आने के बाद वापस हम लोग वही सोच में कर रहे थे, बापू के बारे में बातें चल रहा था और हम लोग का ये प्रॉब्लम ही हो रहा था। फिर मैं बापू को फ़ोटो देख के मैं बापू को बोला, बापू एक बार आपके पास सामने आने का है, आपके साथ बात करने का है, मतलब आप एक बार बताओ कि एक प्रॉब्लम में से हम लोग कैसे बाहर आए। ऐसे गुरुवार के दिन हम लोग जब प्रवचन स्थल पे गए वहाँ पे भी मैंने बापू को बहुत प्रार्थना किया, बापू आपके पास आने का कुछ तो रास्ता बताओ, आपके पास आने के लिए कुछ तो मार्ग बताओ कि आपके पास फेस टू फेस आके मैं कुछ बात कर सकूं। तभी मैं सब दर्शन होने के बाद मेरी नज़र रामनाम बैंक के काउंटर जो थी वहाँ पे जो बेनिफिट लिखा हुआ था वहाँ पे गए। वहाँ पे बेनिफिट पढ़ते पढ़ते मैं जब गया तो 101 का रामनाम जो किताब लिखता है उनको बापू के चरण स्पर्श मिलते हैं। ये पढ़ के तो मेरे एकदम होश ही उड़ गए। मैं बोला अरे बापू थैंक्स, बोला बापू को खूब थैंक्स बोला कि बापू आपने मेरे को आपके पास आने का रास्ता बता दिया, जो मैं दो तीन दिन से आपको वही पूछ रहा था, मुझे आपके पास आने का रास्ता बताओ और आपने बता दिया। मैं बहन को बोला, मेरा बहन ये देख 151 बुक लिखेंगे तो बापू का चरण स्पर्श, जब मैं चरण स्पर्श करने जाऊँगा ना तो बापू का चरण छोड़ूंगा ही नहीं, उनको बोलूँगा बस बापू मेरे को इसमें से बाहर निकालो, इस प्रॉब्लम में से कुछ तो रास्ता बताओ मेरे को क्या करने का आगे बस। तो ऐसा करके मैंने वो बुक लिखना चालू किया, मैं जितना रामनाम बुक मिलता था उतना मैंने लिया और दुकान में सुबह बैठ के मैं लिखता गया। और मेरी सिस्टर भी मेरे को वो सपोर्ट करने लगी, अरु तू बिंदास लिख बोलते हैं, कुछ टेंशन मत ले दुकान का। और मैं सुबह 8:30 बजे में जो बुक लिखने को स्टार्ट करता था तो रात को 12:30 बजे तक मेरा एक बुक कंप्लीट होता था। ऐसा मैं बुक लिखते जाता था, बोला बस बापू को मिलता है। वो बुक लिखते लिखते हनुमान चालीसा, घोर कष्टोदरा पठन मेरा बापू करवा के ले रहे थे। बुक भी मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद लिख रहे रख रहा, ऐसा लग रहा है बापू लिखवा रहे हैं। सच में ऐसा ही मेरे अंदर बापू ने आशीर्वाद दे दिया था कि मैं लिखता गया, बस लिखता गया। फिर बाद में जैसे बुक लिखता गया वैसे वैसे मेरी प्रॉब्लम और बढ़ती गई, बहुत बढ़ने लगी। फिर बैंक का हमको नोटिस आया, बैंक वालों बोले कि तुम 2 दिन के अंदर हम लोग को 30,000 लाके नहीं देखे, इतने महीने का तो आपका दुकान सील किया जाएगा, नीलाम किया जाएगा। उन्होंने वहाँ के पेपर में भी सब डाल दिया। तो हम लोग ने पढ़ा भी, हम लोग को बहुत बुरा लगा भी, इतने 2 दिन के अंदर अभी पैसे बनाएगी कहाँ। तो कुछ पैसे का बंदोबस्त नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर बाद में दूसरे दिन फिर बैंक वाले ने बोला कल सुबह 12 बजे के अंदर आपको इतना पैसा भरने का है। 12:30 1 बजे हम लोग आएंगे, दुकान को सील ताला लगा देंगे और आपका दुकान हम लोग वहाँ पे नीलाम कर डालेंगे, आपका जो कुछ सामान है वो निकाल लो करके, ऐसा हम लोग को बता के गए। हम लोग बहुत टेंशन में थे कि बापू अभी करेंगे क्या। तब मेरा बाजू की दुकान में एक जो फ्रेंड था वो मेरे को बोला, अरुण कुछ क्या हुआ प्रॉब्लम, सच बता मेरे को लग रहा है कुछ तो प्रॉब्लम है। बोला ऐसा ऐसा दुकान कल सील करने का बात कर रहे और इंस्टॉलमेंट बोला कितना भरने का, मतलब 30,000। तो उसने मेरे को बोला कल सुबह मेरे पास से 30,000 तू लेके जा, तो और बाद में तू मेरे को 5,000 करके देगा तो भी चलेगा, पर तू ये पहले बैंक वालों का जाके मुंह बंद कर। बोला ठीक है। उसने मेरे को दूसरे दिन वो पैसे लाके दिया और वो पैसे लेके मैं बैंक पे गया, मेरी मम्मी और पापा तीनों जन थे। तब वो मैनेजर का एकदम हुलिया ही चेंज हो गया था, वो हमको बोला कि आवा, एकदम अच्छे से बात किया और हम लोग को केबिन में बिठाया और हम लोग को डायरेक्टली बोला कि आप किन भगवान को मानते हैं। हमने बोला क्यों क्या हुआ, बोलते आप जो भी भगवान को मानते हैं उनको थैंक्स कहो, क्योंकि कल आप लोगों जाने के बाद बोर्ड का यहाँ पे एक मीटिंग हुआ हम लोग का, आपके जैसे और बहुत सारे केसेस थे जिनके पैसे पेंडिंग थे तो उनका क्या करने का करके बोर्ड ने मीटिंग लिया। तो उन्होंने ऐसे तय किया गया कि ये जो कुछ पैसे का जो अमाउंट है वो आपके लोन के अमाउंट में डाल दिया जाएगा और नए से आपका अभी इंस्टॉलमेंट अगले महीने से 1 तारीख से आपका इंस्टॉलमेंट चालू होएगा। वो कुछ इंस्टॉलमेंट हम लोग का उसने 6,000 का बताया कि आपको अगले महीने से 6,000 रुपये भरने का। हम लोग को तो विश्वास ही नहीं आ रहा था कि ये मैनेजर जानबूझ के झूठ बोल रहा है, शायद हम लोग से पैसा लेना नहीं चाहता, ऐसा ऐसा सोच रहे थे। हम लोग बोला भी कि पैसे लेके आए, वो बोला अभी कुछ ज़रूरत नहीं है, आपको भरना है तो भरो मगर कुछ ज़रूरत है ही नहीं, आप अगले महीने से 6,000 भरो ना, वो पैसा आपका ऐसे लोन में अमाउंट में गया है। तो हम लोग भी आए और बापू को हम लोगों ने सच में बोला थैंक्स बापू, आपने हम लोग की इसमें तो प्रॉब्लम में से तो हमको बचा दिया।
फिर बाद में ये होने के बाद मैं बोला मम्मी अभी बहुत हो गया, अभी ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, अभी इसका अपन पूरा फाइनल कर डालेंगे। और उसी टाइम में फिर हम लोग ने हमारा नाला सोपारा का जो फ्लैट था वो कुछ 6 लाख में हम लोग ने बेच दिया, उसका सब पैसा भी हम लोग को जहाँ देने का था दे दिया। फिर बाद में हम लोग का दहसर का जो फ्लैट था, दहसर का काशी मीरा का, वो फ्लैट हम लोग ने कुछ 4.5 लाख में हम लोग ने बेच दिया, वो पैसा भी हम लोग को देने में चला गया। फिर अभी बचा हम लोग का एक दुकान और बॉम्बे का जो डीला रोड का जो घर था वो, अब दो ही चीज़ बाकी थी। पर हम लोग के सब जितने रिलेटिव वाले बोल रहे थे, सब बोलता है कि आप लोग नाला सोपारा का दुकान बेच डालो, वो बेच डालो, वो उसकी वजह से आपका बढ़ता जा रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है। पर हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या, दुकान बेचे कि हम लोग अभी बॉम्बे का घर बेचे। अगर दुकान बेच दिया तो हम लोग बॉम्बे के घर में भी रह सकते, और बॉम्बे का घर बेच दिया तो हम लोग रहेंगे कहाँ। वो हम लोग ने सोचा कि भाड़े से भी हम लोग रहेंगे ऐसा करके, तो कुछ दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। तभी हम लोग को उपासना सेंटर से कहा गया कि आपको सुचित दादा ने वहाँ बुलाया गया है, आपको बापू का एक प्रसाद मिलेगा, वो आपको दुकान में रखने का है। फिर हम लोग पूरा फैमिली को बुलाया था, हम लोग सब गए सुचित दादा के पास, प्रणाम किया। फिर दादा ने हमको बापू का फोटो दिया जो ब्लू पर्ण में बापू का रहता है, बोला ये आपको दुकान में रखिए। तो हम लोग तो बोले साक्षात बापू अभी आ गए दुकान में, अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं। और वो दुकान में हम लोग ने फोटो रखा। फिर दुकान का एक कस्टमर आया जो 14 लाख में हम लोग का दुकान लेने को तय किया, वो बोला हम लोग शाम को तो टोकन ला के देता हूँ मैं और फाइनल करते। और हम लोग हाना हाना हो रहा था, सब दुकान का सामान भी हम लोग पैक कर रहे थे, तो क्या करें। तो मम्मी ने और मैंने एकदम मक्कम नीचे किया, एक काम करेंगे कुछ भी हो जाए, जब बापू का फोटो अभी दुकान में आ गया है, दादा ने रखा है, बापू अभी आ गए, अभी दुकान बेचने का नहीं है, अभी अपन बॉम्बे का घर बेच डालेंगे, भले कुछ भी हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए। और ये सिचुएशन ऐसी बढ़ती जा रही थी कि अभी करेंगे क्या, बोला ठीक है। और फिर हम लोग ने दुकान का छोड़ दिया बेचने का हम लोग ने, और बॉम्बे के घर का हम लोग ने ये कर दिया। पर बॉम्बे का घर का भी हम लोग को कहीं कस्टमर आ नहीं रहा था, और वो कर्जा हम लोग इतना बढ़ते जा रहा था। बट पहले तो बापू के पास हम लोग नए नए ही आए थे, तब हम लोग को कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था ना, तभी तो हम लोग तो कुछ दवाई पी के मर जाए ऐसा हो गया था। और मैंने तो एक दिन ऐसा किया भी था, मेडिकल से बोतल भी लिया था, जो कीड़े मारने की दवा आती है ना वो लिया था, चुपचाप बैग में रखा था और बोला था कि पी के बस मर जाने का कुछ, क्योंकि सारे दिन का जो बिजनेस होता था, शाम को दुकान पे जो जिसके पैसे है वो इंटरेस्ट लेने को आ जाते थे, सब लेके चले जाते थे, बैंक वालों का नोटिस, ये इधर से सब जगह से इतना प्रेशर आ गया था। फिर मम्मी ने देख लिया कि अरुण कुछ छुपा रहा है बैग में और कहीं जा रहा है। मम्मी ने मेरे को रुका लिया, बोलते अरुण क्या है क्या है, दिखा, बोला मम्मी कुछ नहीं। उन्होंने देख लिया वो बोतल, वो भी रोने लगी, एक काम करते बोलते मुझे भी दे मैं भी पी जाऊंगी, मेरी वजह से ही सब हुआ है, ऐसा वैसा हम लोग बहुत ये कर रहे थे। फिर मेरे पप्पा ने देखा तो पप्पा बहुत चिल्लाए हम लोग पे, हम लोग को बहुत डांटा, बोलते ये सब ऐसा करने का नहीं ऐसा करके। फिर बोला अभी करे क्या। फिर ऑटोमेटिकली फिर बापू के पास आने के बाद फिर हम लोग को ऑटोमेटिक पता चला कि ये सब करना गलत है, ये सब करने से कुछ नहीं मिलता है। अगर नया जन्म मिलेगा तो उसमें भी ये जो लिया है वो देना पड़ता ही है, क्योंकि साई सच्चरित में बाबा ने कहा गया है। तो इस सब से हम लोग ने फिर वो छोड़ दिया। फिर बाद में बॉम्बे का जो घर हम लोग का बेचने का था, तो बाजू वालों ने बोला कि वो घर हम लोग 5 लाख में लेंगे। मम्मी ने बहुत हम लोग ने प्रेशर किया कि 5.5 में, तो बोला नहीं 5 लाख में। तो हम लोग ने बोला ठीक है डन है, तो बोला कल पैसे मैं कल दूंगा, कल फाइनल करेंगे। बोला ठीक है कल मैं टोकन लेके आता हूँ। तो मम्मी रो रही है, मम्मी को बोला मम्मी क्या हुआ, अभी तो अपना ये हो गया ना, अपना ही डिसीजन। मम्मी बोल रही घर बेच रहे उससे मेरे को कोई टेंशन नहीं है, पर ये जो घर 5 लाख में जा रहे हैं ना, अगर ऊपर के 50,000 मिल रहे हैं ना, तो उसमें से अपन बाहर डिपॉजिट देके अपना एक रेंट का फ्लैट भी अपन रूम आ जाएगा और बाकी का अपन अच्छे से चल जाएगा, पर मेरे को बहुत ये हो रहा है। तो मम्मी को बोला जाने दो, मतलब भगवान की इच्छा है, बापू की इच्छा जो होगा वो जाने दो। और हम लोग सो गए, पर मम्मी रात भर सोई ही नहीं, वो राम नाम की किताब लेके बापू का फोटो देख के उनको बहुत प्रार्थना कर रही थी। बापू सिर्फ बोलते हम लोग को रूम जा रहा है, हमारा घर जा रहा है, पर हमको कुछ अफसोस नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर ये जो कीमत जो मिल रही है ना उससे थोड़ा 50,000 ज़्यादा एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, तो मेरा दूसरा काम हो रहा है, बस इतना ही मम्मी प्रार्थना कर रही थी। और सच में ऐसा ही हुआ, सुबह 7:30 बजे हमको घर पे फ़ोन आया और मम्मी ने उठाया और मम्मी को कहा कि हम लोग ने आपका घर देख के गए हैं और वो घर हमको खरीदने का है। मम्मी बोले ये तो हम लोग ने बाजू वाले के साथ फाइनल किया है और शाम को टोकन देने वाले। बोलता है नहीं नहीं आंटी, बोलता है हम लोग को वो घर चाहिए और हमको पसंद आया, प्लीज़ आप किसी को
को मत दीजिए। मम्मी बोले कि 6 लाख में आपको लेने का है क्या? बोलते नहीं इतना नहीं है, हम लोग 5.5 लाख देंगे, उतने में आपको देने का है तो बोलो, हम लोग पूरा का पूरा पैसा शाम को ला के दे रहे। मम्मी बोले कि ठीक है। बोलता कितने बजे आएंगे? बोलते कि 7:30 बजे आएंगे। बोलता ठीक है 7:30 बजे आ जाओ पैसा लेके। सुबह हम लोग सब उठे, सब फ्रेश होने के बाद मम्मी हमको बताए सब कि ऐसे ऐसे एक आदमी का फ़ोन आया। तो हमको लगा कि मम्मी को घर बेचने का नहीं है ना, इसलिए जानबूझ के झूठ बोल रही है कि ऐसा ऐसा है। तो मम्मी को बोला, मम्मी क्या आप कुछ भी बोल रही है, इतने दिनों से कोई आया नहीं और ऐसे कैसे कोई आएगा, और उसका कोई नंबर है क्या अपन बात करेंगे? बोला ऐसा नंबर नहीं है, नाम भी नहीं बोला, पता था कि कौन आने वाला करके। बोलते इतना बोला कि शाम को 7:30 बजे हम लोग आएंगे और पेमेंट करेंगे। तो बोला ठीक है चलेगा। मम्मी बोले कि बाजू वाले को अपन कैंसिल नहीं करने का, उनको बोलेंगे कि आप जो 7 बजे आने वाले थे वो 8 बजे आओ ना, 1 घंटा आगे पीछे थोड़ा। बोला ठीक है। तो शाम को सब मेरे मौसी, मेरे मामा, सब लोग हमारे रिलेटिव वाले भी आ गए कि अभी घर का ये सौदा हो रहा है करके। हम लोग सब बैठे थे तो मामा हमारे सगे वाले बोले कि अभी बाजू वाले को बुला। तो उनको ये सब बात किया तो वो लोग भी बोले अभी ऐसा कोई थोड़ी आएगा। बोलता है कौन है अभी, अभी तक कुछ सुबह से फ़ोन नहीं कुछ नहीं, और एक ही बार फ़ोन आके गया और तुम बोल रहे कि वो लेगा। तो मम्मी बोले कि थोड़ा आप वेट करने में क्या जाता है। तो 7:30 हो गया, 8 बज गया। तो मैंने कहा मम्मी को, मम्मी अभी बहुत हो गया, अभी बाजू वाले को बुलाएंगे उनको दे देंगे। तो मम्मी रोने लगी। मम्मी बोली कि सिर्फ अपन आधा घंटा राह देखेंगे ना। अरुण बोलते आधा घंटे अगर नहीं आ रहा है तो अपन उनको बोला कि अपन दे देंगे बाजू वाले को। बोला ठीक है चलेगा। तो एग्जैक्ट 8:30 बजे है ना, 3 से 4 आदमी लोग आए हमारे घर पे, जो वाइट शर्ट ब्लैक पैंट में ही थे एकदम। एक आदमी तो एकदम हट्टा कट्टा था, वो आया और मम्मी को बोला सॉरी हम लोग को आने में थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि पैसे का थोड़ा बंदोबस्त ये होने रहा था, पर अभी हम लोग 3.5 लाख लोग लेके आए हैं और बाकी का पैसा कल दे देंगे। और उन्होंने मम्मी के हाथ में सब पैसा दिया और एग्रीमेंट लिया, एग्रीमेंट पे हम लोग का सबका सिग्नेचर करके लिया उन्होंने और सब लिख के लिया, इतने इतने में घर ले रहे। और उन्होंने कहा आप 1 महीना नहीं 2 महीना लो, आराम से घर खाली करके दो, हमको इतना घाई नहीं है। पर हम लोग ने 15 दिन में ही हम लोग ने वहाँ का घर खाली किया और नाला सोपारा में भाड़े पे फ्लैट लेके हम लोग रहने लगे। और हम लोग का जो गाड़ी जो पटरी के बाहर थी वो बापू ने बरोबर पटरी पे लाके रख दिया। अभी हम लोग का सब बरोबर जा रहा था, सब जगह जो थोड़ा कुछ बाकी था वहाँ पे इंटरेस्ट भी जा रहा था और सब बरोबर। तो भी मैंने टोटल किया तो कुछ 20 लाख जितना बाकी था और दुकान का भी पैसा बाकी था थोड़ा, ऐसा करके टोटल 20 लाख जितना पैसा बाकी था। अभी ये पैसा अभी निकालने का कैसे, और दुकान का भाड़ा भी भरने का ये सब। तो मम्मी को बोला मम्मी अपन दुकान भाड़े पे डाल देंगे, उसका डिपॉजिट जो मिलेगा वो भी अपन ये जिसको देने का जहाँ ज़रूरत है वहाँ देके अपन, ये भाड़ा भी आएगा तो उसका कुछ इनकम भी अपने घर पे सब होएगा। तो बोला ठीक है। मम्मी ने भी VRS ले लिया था MTNL में, वो पैसा भी हम लोग ने भी देने में डाल दिया। पापा ने भी रेलवे में से रिटायरमेंट ले लिया, उनका भी जो पैसा आया था वो भी हम लोग ने देने में दे दिया था सब कुछ जिसको देने का था। फिर बाद में जो आदमी को हम लोग ने दुकान दिया था वो मोमेडियन था, वो कुछ 9,000 से दिया था हम लोग भाड़े पे। फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते 15,000 20,000 और 22,000 तक उसका भाड़ा हो गया था दुकान का, वो 22,000 दे रहा। फिर अचानक बापू को ऐसे प्रे करते हुए हमको क्या आइडिया दिया कि हमको भी नहीं पता है, मैंने वो आदमी को ऐसे बताया कि मेरा एक फ्रेंड है जो गुजरात में रहता है, वो उसके फादर भी आ रहे हैं बॉम्बे शिफ्ट हो रहे, तो मेरी दुकान लेना चाह रहे भाड़े पे, पर वो लोग एक साथ 6 साल का 25,000 के हिसाब से 18 लाख रुपए मेरे को भाड़ा एकदम 6 साल का मेरे को एकदम दे रहे, तो आपको दुकान खाली करना पड़ेगा। वो आदमी थोड़ा परेशान हो गया और बोलता है अरुण भाई मेरा यहाँ पे धंधा अच्छा जम गया है, आप अचानक मेरा को ऐसा खाली करने को बोल रहे हो कि आप ऐसा मत करो, चाहिए तो मैं 25,000 भाड़ा देता हूँ। पर मैंने उनको कहा कि मेरे को तो एकदम ऐसे पैसे की ज़रूरत है तो मैं क्या करूँ, बोलता है। तो वो बोलते मेरे को थोड़ा सोचने का समय दो। मतलब ठीक है। और हम मम्मी बोले ऐसा कोई नहीं एकदम पैसा देता है, मतलब मम्मी बोलने में क्या है, देखते तो खरा। तो ऐसा होने के बाद फिर हाँ शाम को आदमी का फ़ोन आया और बताया कि अरुण भाई एक काम करो, वो 18 लाख मैं आपको दे रहा हूँ, सख्त मेरे को 1 महीने का टाइम दो, मैं पैसे का अरेंज करके मैं आपको देता हूँ और 6 साल का ये एग्रीमेंट बना देता हूँ। तो ये सुन के तो हम लोग को घर में एकदम यही हो गया कि बापू अंबद ने आपने तो पूरा का पूरा हम लोग का टेंशन पूरा का पूरा सोल्व कर दिया। और जब
वो 18 लाख रुपए उसने दिया, तो जो बाकी का था वो भी हम लोग ने टोटल नील कर दिया। दुकान का जो फाइल जो हम लोग का बैंक में अटका था वो भी छुड़ा के हम लोग के पास हमारे घर में आ गया। तो हमारे जो गए ने कुछ हम लोग ने जो गिरवी बाहर मारवाड़ के पास वो भी सब छुट गए, वो भी हमारे पास में आ गए। और पूरा का पूरा हम लोग का ये हो गया। खाली इतना था कि हम लोग भाड़े पे रह रहे थे, वो भी हम लोग को पता है कि आगे ना आगे हम लोग का ये अरेंज होके हम लोग घर लेने वाले हैं। पर जब उसी दौरान सब क्लियर होने के बाद मेरा रामनाम वही जो मैं रामनाम बुक लेकर आता वो भी मेरी कम्प्लीट होने को आई, 151 हो गई थी। और मेरे को भी फ़ोन आया उन बापू के चरण स्पर्श के लिए। और जब मेरे मुझे बुलाया गया तो मैं एकदम खूब भी एक्साइटमेंट हो गया कि अभी बापू को जाके मैं बोलूँ क्या, कि जो मेरे को पूछने का था कि इसमें से बाहर निकालो तो बापू आपने कब का कर दिया। अभी मेरे को बोलने जैसा कुछ नहीं, बस आपको आपको थैंक्स बोलने का है, अंबद ने बोलने का बापू बस आपने तो मेरी लाइफ भी पूरा चेंज कर दिया। और जब मेरे को जब मौका मिला चरण स्पर्श का, मैं कुछ नहीं कह पाया, बापू के चरण स्पर्श लिया और बापू के चरणों में मैं बहुत रोया। और मेरे को जो भी कहने का था बापू ने सब कहवा डाला। और हम लोग अभी बापू की कृपा से हम लोग एकदम एकदम बोले तो एकदम हमारा लाइफ एकदम अच्छा हो गया है, जिससे कोई भी टेंशन नहीं है। सिर्फ इतना एक जो साई सच्चरित में कहा गया है, एक विश्वास असावा पूर्ता करता आता गुरु ऐसा, बस बापू पे विश्वास चाहिए। बापू पे जितना विश्वास ज़्यादा, जितना भक्ति ज़्यादा, बस वो अपना काम करेगा ही। फक्त बापू पे विश्वास चाहिए। हरिओम। अंबद्य श्री राम।